एक और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। वहीं कोटा स्थित कलम के कुआं में अवैध हथकड़ शराब के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। प्रशिक्षु आईपीएस अमित कुमार ने ये बताया कि अवैध शराब बनाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने कलम के कुआं गांव में दबिश देकर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण, भट्टियां और 48 लीटर शराब बरामद किया और साथ ही करीब 3500 लीटर वॉश को नष्ट किया। वहीं पुलिस मौके से फरार आरोपियों की लाश में भी लगातार जुटी हुई है। खबर भरतपुर के डीग से है, जहां